दोस्तों आखिरी 12 गेंदों पर चाहिए थे 19 रन, फिर ऐसे 99% जीते हुए मुकाबले को हारा मुंबई इंडियंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 में आज का बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां मुंबई इंडियंस एक समय तक मुकाबले को 99% जीत चुकी थी, यानी कि 17.5 ओवर तक मुकाबला बिल्कुल मुंबई इंडियंस की पकड़ में था। लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर ने मुकाबले का पासा बिल्कुल पलट कर रख दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे इस मुकाबले का कि आखिरकार किस तरीके से मुंबई इंडियंस को एक जीते हुए मुकाबले में हार मिली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि आखिरकार किस तरीके से जीत दर्ज की है सनराइज हैदराबाद ने। तो चले जानते हैं इस मुकाबले को शुरुआत से ही। तो दोस्तों बात करते हैं इस मुकाबले की शुरुआत की, तो आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। हालांकि शुरुआत में काफ़ी शानदार रही मुंबई इंडियंस की, क्योंकि अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग कपारी की शुरुआत करने आए थे सनराइज हैदराबाद की तरफ से। लेकिन टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और अभिषेक शर्मा 10 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर डेनियल सेम्स का शिकार बने और पहला विकेट 18 रनों के स्कोर पर गिर गया सनराइज हैदराबाद का। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर शानदार वापसी की सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाजों ने और प्रियम गर्ग और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। पहला विकेट गिरने के बाद पारी को संभालते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार 57 रन बनाए। इसके बाद भी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। एक तरफ इस सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे प्रियम गर्ग भी शानदार लय में दिखे, तो वहीं पर राहुल त्रिपाठी ने भी शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी हुई और टीम का स्कोर जब 96 रन था 9.5 ओवर में, तब टीम को दूसरा झटका प्रियम गर्ग के रूप में लगा। प्रियम गर्ग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। प्रियम गर्ग को रमनदीप सिंह ने 14 बोल्ड आउट करके पहली सफलता प्राप्त की इस मुकाबले की रमनदीप सिंह ने, और दूसरा झटका दिया सनराइज हैदराबाद को। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी शानदार व आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही, क्योंकि निकोलस पूरन और राहुल त्रिपाठी दोनों छोर से काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करने शुरू कर दी थी और मुंबई इंडियंस का कोई भी गेंदबाज उनको रोक नहीं पा रहा था। एक समय लग रहा था कि यहां पर टीम 210 रनों के आसपास का स्कोर खड़ा करेगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 16 ओवर में 164 रन बना दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में निकोलस पूरन के रूप में तीसरा विकेट गिरा 172 रनों के स्कोर पर। निकोलस पूरन ने 22 गेंदों पर 38 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों निकोलस पूरन के आउट होने के बाद 18वां ओवर डालने आए रमनदीप सिंह ने पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने पहले तो राहुल त्रिपाठी और इसके बाद एडन मार्करम को पेवेलियन की राह दिखाई और आज के दिन का अपना तीसरा विकेट चटकाया। साथ ही यहां पर राहुल त्रिपाठी की बात करें तो 44 गेंदों पर शानदार 76 रन बनाए, तो वहीं पर एडन मार्करम सिर्फ 2 ही रन बना पाए। तो वहीं पर अंत में केन विलियमसन 8 और वाशिंगटन सुंदर भी 9 रनों का योगदान दे पाए, जिसके चलते एक समय टीम लग रहा था कि 210 या 220 रनों तक पहुंचेगी, वहां पर स्कोर सिर्फ 193 रन ही रह गया। लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्कोर था। मुंबई इंडियंस की तरफ से हम बात करें गेंदबाजी की, तो रमनदीप सिंह ने 3 ओवर में 20 रन देकर 3 सफलताएँ प्राप्त की। इसके अलावा डेनियल सेम्स, रायली मेरेडिथ और जसप्रीत बुमराह को एक एक विकेट मिला। लेकिन सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी आज राहुल त्रिपाठी की रही, जिन्होंने मात्र 44 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 76 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पर दोस्तों इस 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफ़ी शानदार रही। टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और ईशान किशन ने धमाकेदार शुरुआत की और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही काफ़ी संभल कर वह आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू की। दोनों छोर से लगातार शानदार बल्लेबाजी रही। रोहित शर्मा तो अपने पूरे रंग में दिखे, उन्होंने 4 बड़े छक्के लगाए, तो वहीं पर ईशान किशन ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 रन जोड़े। इसके बाद भी इनकी दमदार पारी जारी रही और 10 ओवर में स्कोर 90 के पार पहुँचा दिया और लग रहा था यहां से अब रोहित शर्मा और ईशान किशन में से कोई एक बल्लेबाज अंत तक खेलेगा तो मुंबई इंडियंस की टीम बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वाशिंगटन सुंदर ने रोहित शर्मा को पेवेलियन की राह दिखाई। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के बिल्कुल काफी करीब थे तब आउट हुए। उन्होंने 36 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली, तो उनके आउट होने के बाद यहाँ पर टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। ईशान किशन 101 रन था टीम का स्कोर, तब वो भी पेवेलियन लौट गए, उन्होंने 43 रन बनाए। तो इसके बाद डेनियल सेम्स 15, तिलक वर्मा 8 और
ट्रिस्टन स्टुब्स सिर्फ 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और टीम को मुश्किलों में डाल दिया। लेकिन दोस्तों अंत में बल्लेबाजी करने आए टीम डेविड ने इस मुकाबले का पासा बिल्कुल पलट दिया, जब 18वें ओवर में उन्होंने एक ही ओवर में 4 छक्के जड़कर इस मुकाबले को पूरी तरह से मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दिया था, क्योंकि 13 गेंदों पर चाहिए थे सिर्फ 9 रन। लेकिन यहाँ पर इस ओवर की 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सबसे बड़ी गलती कर बैठे यहाँ पर टीम डेविड और वो रन आउट हो गए। वो रन भागना चाहते थे लेकिन रमनदीप सिंह ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके चलते वो रन आउट हो गए और सबसे बड़ा झटका लगा मुंबई इंडियंस को और साथ ही मुकाबला भी यहीं से उनके हाथ से निकल गया। टी नटराजन के इस ओवर में 25 रन आ चुके थे लेकिन आखिरी गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में टीम डेविड आउट हो गए और यहीं से मुकाबले का पासा बिल्कुल पलट दिया, क्योंकि 19वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में पहले तो संजय यादव को पेवेलियन की राह दिखाई और इसके बाद पूरा ओवर ही मेडन डाल दिया, जिससे यहां पर पूरी तरह से मुकाबला मुंबई इंडियंस के हाथ से फिसल गया और शानदार जीत दर्ज कर ली, क्योंकि आखिरी ओवर में भी 19 रनों की ही जरूरत थी और इस ओवर में सिर्फ 15 रन ही बने फारूकी के इस ओवर में और शानदार जीत दर्ज की 3 रनों से मात्र इस मुकाबले को जीता सनराइज हैदराबाद ने। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की हार का सबसे बड़ा विलेन आपके हिसाब से कौन है? हमें तो मुंबई इंडियंस की हार का विलेन रमनदीप सिंह लग रहे हैं, जिन्होंने अगर रन लेते तो यहाँ पर पूरा रन हो सकता था आखिरी गेंद पर। लेकिन दोस्तों वहीं पर हम बात करें यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की जीत के हीरो भुवनेश्वर कुमार बने हैं, आपके हिसाब से कौन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।